नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। मेरी हिस्ट्री की जो टॉपिक्स थी उस पर मैं और आगे बोलना चाहती हूँ आज। आप लोगों ने शायद मेरा वीडियो पिछले वाला देखा है, एंड मुझे ये लगता है जैसे बचपन से ना मेरे मम्मी, मैं बहुत छोटी थी तो ऑब्वियसली हमारे दादी नानी हम लोगों को कहानी तो सुनाते थे। उसके अलावा मेरी मम्मी ने, जब हम लोग रीडिंग करना ठीक से जानते भी नहीं थे ना, तब से उन्होंने हमें अमर चित्र कथा खरीद के देना शुरू किया। अमर चित्र कथा में ना पहले वो कैसा पिक्चर वाला बुक है, तो हम लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता था बचपन में। मुझे अभी भी याद है, मैं वो फोटोज देखती थी और फिर मम्मी को पूछती थी, तो मम्मी उस टाइम में कहानियां बताती थी। तो ऐसे करके ना धीरे 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 मेरा रीडिंग के तरफ मेरी मम्मी ने मेरा इंटरेस्ट ग्रो किया। और उसके बाद मम्मी हमेशा, हम लोग कभी भी ट्रैवल करते थे तो हिगिन्स एंड बॉथम्स के जो रेलवे स्टेशन में बुक स्टोर रहता था, उसमें से मम्मी हमेशा हमको अमर चित्र कथा खरीद के देती थी। और वो अमर चित्र कथा की स्टोरीज से ना हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ते थे, एंड फिर मम्मी पापा से सवाल भी पूछते थे, एंड वो भी अपना कहानियां बताते थे, दादी से बात करते थे या बड़े अपने फैमिली में किसी से बात करते थे, वो भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन और भी दे देते थे। तो मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि हम जब बड़े हो रहे थे ना, तो हम लोगों को अमर चित्र कथा की वजह से ना हम लोगों को अपने देश के बहुत सारे वीर पुरुषों के बारे में, औरतों के बारे में, जो जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, जिन्होंने हमारे हमको बहुत कुछ सिखा के गए, वैसे लोगों के बारे में मैंने पढ़ा अमर चित्र कथा में, चाहे वो हिस्टोरिकल हो। अभी देखिए, जैसे अभी आप देखो नल दमयंती, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। ऊपर से शकुंतला की स्टोरी बहुत अच्छी लगती थी मुझे, मैं बार 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 वो पिक्चर्स भी देखती थी और वो स्टोरी पढ़ती थी। एंड कुछ दिनों के बाद जब खुद पढ़ने लगी, तब तो मैं धीरे धीरे बहुत, मतलब हम लोगों ने पता नहीं कितने अमर चित्र कथा पढ़े। मगर अमर चित्र कथा पढ़ने की वजह से क्या हुआ ना कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आके हमको कोई सवाल पूछ रहा है और हमको जवाब नहीं आता, या हम बोलते हैं कि अरे हमको तो नहीं पता कौन है। हम महाराणा प्रताप, मैंने उनका भी पढ़ा था, तो उनके वो कहानी में था ना कि वो स्पाइडर को देखते हैं, वो बार बार गिर जाता है और फिर वो चढ़ जाता है, तो महाराणा प्रताप को भी उसमें से लगा कि भाई नहीं, हम जितनी बार ट्राई करेंगे, हम उतना हम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वी विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स, बट गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। और इसी के वजह से क्या हो गया कि हमारे अंदर भी हुआ ना कि नो नो नो, महाराणा प्रताप ने बोला था ना कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोगों को हम भी ट्राई करेंगे, वी विल ट्राई टू अचीव इट। और उन्होंने शपथ लिया था कि जब तक मैं अपना मेवाड़ को आज़ाद नहीं कराता हूँ, तब तक मैं बिस्तर ज़मीन पर लेटूंगा, मैं सोने चांदी के थाली में नहीं खाना खाऊंगा। और आखिर तक उन्होंने वो अपना, क्योंकि उनका चित्तौर जीतना रह गया था, इसके वजह से वो जब उनकी वो गुजर गए, तब भी वो उन्होंने शपथ पूरा नहीं हुआ था करके वो सब चीजें मानते थे। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि भाई हाँ, अगर आपने एक प्रॉमिस किया है तो वो प्रॉमिस जब तक पूरा नहीं होता है, तो आपको अपना अपनी जो भी आपने उसके लिए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जो भी आपने डिसीशंस लिए है, जो भी आपने शपथ लिया है, उसको आपको पालना पड़ेगा। ये हमने सीखा। एंड फिर उसके बाद हम दूसरे भी हैं, आप अगर दशावतार के बारे में बोलेंगे तो दशावतार के बारे में भी मैंने अमर चित्र कथा से ही सीखा। फिर आप रामायण बोलेंगे, बाद में ना धीरे 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 बड़े किताबें पढ़ने लगे हम लोग, मगर इनिशियली हमको हमारे देश के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे अगर मिला ना, तो मुझे वो अमर चित्र कथा से मिला। आज मैं सारे पेरेंट्स को अपील करती हूँ, ज़्यादा महंगा नहीं है, हम लोग बहुत सस्ते में लेते थे। मुझे याद है कि हमने सबसे पहली बार खरीद के दिया था, तो मेरे पास जो पुराना वाला है ना, वो फटा हाल है, 1 रुपए का था, मगर उस टाइम में 1 रुपए बहुत होता था। आज वो होगा 200-300 रुपए के होंगे, मगर इतना पैसा तो हम लोग बहुत बर्बाद कर देते हैं। कभी ड्रेस खरीदते हैं, कभी पार्टीज में जाते हैं, कभी होटल में जाते हैं, कभी कोई कुछ खरीदते हैं। तो मतलब इफ वी रियली वॉन्ट आर चाइल्ड टू नो, जानने के, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ सीखे, हमारे बच्चे के पास कोई नॉलेज हो, तो हम लोग महीने में 500 रुपए तो खर्चा कर ही सकते हैं।
अमर चित्र कथा खरीद के देने के लिए। अमर चित्र कथा में हम लोग इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ स्टोरीज है, आप एंशियंट हिस्ट्री बोलिए, एंशियंट हिस्ट्री में जो मेन कैरेक्टर्स थे उनके बारे में अमर चित्र कथा में स्टोरीज है, एडिशंस निकाले गए हैं, प्लस आप पंचतंत्र जातका टेल्स और जातक कथाएं जिसको बोलते हैं वो भी है, आपको आपको मेडिवल टाइम्स में आपके जो राजा हैं उनके बारे में भी है, आपको रामायण के महाभारत के छोटे छोटे कहानियों के ऊपर डिपेंड करके भी उस पे है, एंड उसके बाद आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोल दीजिए, राजबिहारी बोस बोल दीजिए, आप वीर सावरकर बोल दीजिए, हर किसी के बारे में अमर चित्र कथा में आपको आपका बच्चा पढ़ सकता है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ना तो आपके बच्चे को ऑटोमेटिकली अपने देश के बारे में पता चलेगा, आपको आपके बच्चे को ये पता चलेगा कि अपना प्रण रखने के लिए अपना मतलब अपनी जो डिटर्मिनेशन है उसको पूरा करने के लिए, अपना शपथ पूरा करने के लिए कितने लोगों ने कितना सैक्रिफाइस किया और उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है, वो सारी बातें हम वो बच्चा पढ़ सकेगा। जब वो बच्चा पढ़ेगा ना तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली नेशनलिज्म आ जाएगा, उसका देशभक्ति का भावना बढ़ जाएगा, वो अपने देश के लिए अलग ही नजरिए से देखेगा। और ये जो हम लोगों को आजकल के बच्चों को दिखता है ना, दिन भर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, टीवी में सीरियल्स देख रहे हैं, या ये एक्स रेटेड वीडियोस देखते रहते हैं, मोबाइल हाथ में आ जाता है, बच्चा क्या कर रहा है पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता है। बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको इंटरनेट के बारे में उतना नॉलेज नहीं रहता है तो बच्चा उनको घुमा भी देता है, मगर अगर बचपन से बच्चे को हम लोगों ने परवरिश के तहत हमने अगर उनको ये ऐसे कहानियाँ देखो, फिर चंदा मामा आता था, चंदा मामा में भी हम लोगों को बहुत सारे राजा रानी के कहानियाँ मिलते थे। तो ये जब हम लोग बच्चे को ये करते हैं ना, बच्चा ये सब पढ़ता है, बच्चे के अंदर से एक मॉरल जो मॉरल्स जो होना चाहिए ना बच्चे के अंदर, जो एक अच्छे प्रिंसिपल्स होने चाहिए बच्चे के अंदर, क्वालिटीज जो बच्चे के अंदर होना चाहिए, वो क्वालिटीज ग्रो करता है। और फिर ना बच्चे का इंटरेस्ट बुक्स की तरफ आने से ना क्या हो जाता है, एंड बुक्स भी उसको अच्छे बुक्स की तरफ आता है ध्यान, और वो मतलब रीडिंग करता है, रीडिंग इज अ वेरी गुड हॉबी, एंड रीडिंग से क्या हो जाता है, रीडिंग से आपको नॉलेज ही मिलता है। एंड बच्चा जब बचपन से अमर चित्र कथा पढ़ रहा है एंड फिर धीरे धीरे होके वो आगे जाके दूसरे किताबें पढ़ने लगता है तो बच्चे के अंदर क्या हो जाता है ना, बच्चे के अंदर एक अपने आप ही एक उसका अच्छे बुरे की तमीज आ जाती है, और बच्चा गलत काम करने से अपने आप ही अपने आप को रोकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ग्रोइंग अप प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, होंगे, हम मैंने भी ग्रोइंग अप प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं भी गई हूँ, मेरा बेटा भी गया है, आप भी गए होंगे, हर कोई अपने ग्रोइंग अप प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम्स से जूझता है। मगर पता क्या होता है, जब हम लोगों के पास अच्छी नॉलेज होती है एंड अच्छा गाइडेंस होता है ना तो हम लोगों को समझ में आता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां तो प्रॉब्लम्स बताने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मगर होता क्या है, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें डालिए, ये बुक्स की आदतें, एक अमर चित्र कथा से उसको अपने देश के बारे में पता चलेगा, द चाइल्ड इज गोइंग टू फील प्राउड अबाउट इट, कोई आके उसको ये नहीं बता सकेगा अरे तुम्हारा देश तो ऐसा है, तुम्हारा देश तो वैसा है, नहीं, वो फिर वहीं पे बोलेगा सॉरी हमारे देश में आर्यभट्टा भी थे, हमारे देश में राणा प्रताप भी थे, हमारे देश में पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान ने माफ किया, गौरी ने माफ नहीं किया, गौरी ने बदला लिया, तो उसको बच्चे को पता चलता है कि यस माफ करो, मगर अगर दुश्मन बहुत खराब है तो उसको सबक जरूर सिखाओ कि वो पलट के ना आए। ब्रिटिशर्स के साथ हम लोगों के क्या क्या, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में मैंने पढ़ा और उनका ना बहुत ज्यादा मतलब ही इज वन ऑफ माई आइडल्स ऑफ लाइफ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर छोटे से गाँव में रहते थे, उनके फादर ने उनको शहर में लेके गए, जब वो शहर में जा रहे थे ना तो उनके माइलस्टोन्स जो थे उसके नंबर्स उसके पूछे ये क्या लिखा हुआ है, उन्होंने पूछा था अपने फादर को, छोटे से थे तो उनके फादर ने उनको बोला ये नंबर है, ये कितना किलो मील दूर है हम कलकत्ते से, ये बता रहा है। तो जब तक वो पहुंचा ना तब तक उसने पूरी नंबर्स लर्न कर ली। ईश्वर चंद्र विद्यासागर फुटपाथ पे बैठे बैठे पढ़ते थे, बहुत गरीब थे, बहुत हाईली एजुकेशन उन्होंने हाई क्वालिफिकेशन
हासिल किया, उसके बाद बैतूल कॉलेज, बैतूल गर्ल्स स्कूल शुरू किया, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, एंड फिर उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए भी बहुत काम किया। एंड एक बार एक और कहानी मुझे अमर चित्र कथा में ही उनके बारे में पढ़ा चला था। एक जगह वो गए थे कुछ प्रोग्राम करने के लिए, तो उनके साथ ट्रेन में ना ट्रैवल जो कर रहे थे वो पूरे वेस्टर्न आउटफिट में थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमेशा धोती कुर्ता एंड शॉल रहता था। तो वो उतरे, उतरने के बाद वो आदमी कुली 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 करने बैठे, तो उनको विद्यासागर दिखे तो उनको लगा ऐसे कपड़े पहना हुआ है कुली होगा, ए मेरा सामान उठा दो। विद्यासागर ने कुछ नहीं बोला, उठाया सामान और उनको ले जाके उनको टांगे पे बिठा दिया। वो दैट जेंटलमैन हैड कम फ्रॉम कैलकटा टू लिसन टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एंड जब वो प्रोग्राम में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखे और उन्होंने बात किया तो वो एकदम शर्मिंदा हो गए और उन्होंने जाके माफ़ी मांगा। बट विद्यासागर सेड दैट यू नो व्हाट, वेस्टर्न आउटफिट्स पहन लिया, तो उससे ये मत समझो कि आपने बहुत कुछ ग्रेट कर लिया है। आप अपना काम करने में शर्मिंदा ना हो। आर वी नॉट लर्निंग अ लेसन ओवर हियर? ह्यूमिलिटी का लेसन सीखते हैं ना। एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एक और स्टोरी है कि एक आदमी ने आके बोला, वो जो आदमी खड़ा है ना वो आपकी बहुत बुराई कर रहा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उनकी तरफ बहुत देर तक देखा, फिर बोला, पर मैंने तो उसका कोई अच्छा का उसके उसका कोई भलाई नहीं किया, तो वो क्यों बुराई कर रहा है? मीन्स ही वॉन्टेड टू से, आप किसी का भला करो तो वो आपका बुराई जरूर करता है। एंड एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में ये है। तो ये जब बच्चा ये सब चीज़ें पढ़ता है ना, तो बच्चे को भी अच्छे बुरे की तमीज़ हो जाती है। तो मैं आज फिर से एक अपील कर रही हूँ पेरेंट्स को कि प्लीज़ अपने बच्चों को बचपन से ही अमर चित्र कथा पढ़ने लगाइए एंड देखिए चेंजेस कैसे आता है बच्चे के अंदर। थैंक यू, नमस्कार। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग और भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो प्रोड्यूस कर सकें। और एक चीज़ मुझे कहना है, कोरोना काल है, प्लीज़ बी केयरफुल एंड रेस्ट्रिक्शंस आज देखा जा रहा है। मैं देख रही हूँ एक जोक है जो बहुत व्हाट्सएप वगैरह में चल रहा है कि कुछ दिन पहले हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे और आज रिसॉर्ट्स में रूम्स नहीं है, मतलब हम नहीं सुधरेंगे। तो प्लीज़ अपने गलती से थर्ड वेव फोर्थ वेव मत लाइए। नमस्कार।